मंच पर बैठे हुए समस्त आदरणीय जन और मेरे सामने आकार लेते हुए नवीन भारत के युवा नेताओं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत ही सम्मोहक विषय है और बहुत अद्भुत आयोजन है। केवल एक शब्द में ये बात निपट सकती है, राजनीति का धर्म हो या धर्म की राजनीति हो। इस मंच पर अलग अलग विचार और अलग अलग राजनीतिक प्रतिबद्धताओं वाले लोग बैठे हैं। कांग्रेस से राजीव बैठे हैं, जिनके साथ सनातन शत्रुता के साथ हमारा जन्म हुआ है राजनीति में। अन्य दलों के आस्था रखने वाले लोग भी होंगे, लेकिन हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 5000 वर्ष की भारतीय संस्कृति और सनातन आस्थाओं में राजनीति का धर्म रहा है, धर्म की राजनीति नहीं रही है। मंच पर विश्व हिंदू परिषद के एक वक्ता को मैं सुन रहा था। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, धर्म का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन एक बार संस्कार विधि की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें राज्याभिषेक संस्कार पढ़ने लगा। मैंने सोचा कि राजा तो बचे नहीं, हालांकि कुछ लोग कोशिश में है कि वो खानदानी राजा बने रहें और हम लोग कोशिश में है कि उन्हें नीचे उतारते रहें। तो मैंने सोचा संस्कार विधि पढ़ लूं। संस्कार विधि में लिखा है कि जो नया युवराज राजा के पद पर बैठेगा, 7 पवित्र नदियों के जल से उसका अभिषेक होगा, आसपास के राज्य उसके लिए उपहार लेकर आएंगे, राजमाता उसको स्नान कराएंगी दूध से, शहद से और पंचामृत से, और जिस समय वो गद्दी पर बैठेगा तब कुल पुरोहित जो होंगे राज्य सभा के, वो उसे एक सोने का दंड देंगे और उसके हाथ में दंड देकर कहेंगे, सर्व दंडोऽसि, हे राजन, आप ईश्वर की पृथ्वी पर मनुष्य की अवधारणा है, आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, आप चारों वर्णों के लिए दंड के अधिकारी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, आप किसी को दंड दीजिए, किसी को आप पुरस्कार दे दीजिए, किसी की गर्दन उतार लीजिए, यह आपका सर्व दंड है। जब राजा इस दंड को स्वीकार करेगा और उसके बाद राज्य पुरोहित के पैर छुएगा, तो राज्य पुरोहित उसकी पीठ पर एक मोर का पंख मारकर कहेंगे, धर्म दंडो असी, यह धर्म का दंड है जो तुम्हारे भी ऊपर है। यह हमारी अवधारणा थी। मुझे लगता है कि पिछले 70 वर्षों में हमारा धर्म दंड कमजोर हो गया है। यह तो सही बात है कि अगर कोई राजा अहंकारी हो तो परिसर से निकलकर उसको सत्ता के गलियारों से खींचकर बाहर निकालना युग के हर चाणक्य का कर्तव्य है। मैं भी एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा हूं। 2011 में राजीव जी की सरकार के साथ संघर्ष करते हुए मुझे उस नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि आप कवि सम्मेलन या कविता छोड़कर राजनीति में क्यों आए। जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ, तक्षशिला के एक स्नातक और अध्यापक चाणक्य ने भारत के सारे राजवंशों के दरवाजे पर हुंकार लगाई और कहा, देश लुटने वाला है, आपस की लड़ाई छोड़िए, एक साथ आ जाइए। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब वो देश के सबसे बड़े दरवाजे पर गया, पटना में महाराज नंद के, तो नंद के राज्यसभा में दोपहर के समय नृत्य चल रहा था और सुरा सेवन चल रहा था, मदिरा पी जा रही थी। उसने कहा, आपसे समय चाहिए। राजा ने कहा, ये कौन मूर्ख प्रोफेसर आ गया हमारा आनंद खत्म करने के लिए, हमारा भारत उत्सव खत्म करने के लिए। उसको बाहर निकाल दिया गया। चाणक्य उसके बाद किसी राजा के दरबार में नहीं गया। उसने संकल्प लिया उस शिक्षक ने, और सड़क के किनारे बैठे हुए एक सामान्य युवक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। ये प्रत्येक चाणक्य की जिम्मेदारी है कि जब जब राज्यसभा, लोकसभा और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए सत्ताधीश मदांध हों, जब जब उनको लगे कि हम हिंदुस्तान के आका हो गए हैं, जब जब वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संविधान की पहली भूमिका वी द पीपल को हमसे पलटकर पूछने लगे कि हु द पीपल, आप कौन लोग हो जो हमसे बात करने आए हो, तब तब उनकी जिम्मेदारी है कि वो रामलीला मैदान के मंच से उतरे, एक राजनीतिक संगठन बनाए और अहंकार में जूझते हुए लोगों को सत्ता से शून्य करके उस सत्ता पर अधिकार प्राप्त करें, उस राज्य को चलाएं, उस व्यवस्था को चलाएं। ये उनकी जिम्मेदारी है। राजनीति इतनी अप्रासंगिक वस्तु नहीं है, राजनीति युग धर्म है। ये महात्मा तिलक की जगह है। आजादी का एक आंदोलन का समय ऐसा था जब आजादी के लिए लड़ने वाले सभी लोग तिलकाइट्स कहलाते थे। एक बाहर से आए हुए पत्रकार ने महात्मा तिलक से पूछा था कि अगर आजादी आ गई तो फिर आप क्या करेंगे, आपका आंदोलन तो आजादी का है। तो उन्होंने कहा, विज्ञान का शिक्षक हूं, गणित का शिक्षक हूं, गणित पढ़ाऊंगा वापस जाकर, मेरा क्या काम है, मैं युग का चारण हूं, कविता गाने वाला हूं, मैंने कभी इन युवाओं के लिए प्रेम के गीत गाए हैं, कभी इसी महाराष्ट्र से गए हुए बेटे के लिए रामलीला में होठों पर गंगा हो, हाथों पर तिरंगा हो गाया है। अगर इस मंच पर बैठे हुए या इस मंच से इतर सुनते हुए राजनीति के सारे लोग
युग धर्म की शाश्वत प्रांजल ईमानदार राजनीति करने लगेंगे तो मुझ जैसे अध्यापक को फिर क्लास में जाके कविता पढ़ानी है, फिर क्लास में जाके लेक्चर देना है, हमें कहां राजनीति करनी है। लेकिन अगर आप अपना काम नहीं करेंगे तो हमारी छोड़िए, वो पीछे खड़ा हुआ कोई भी लड़का लड़का एक दिन उठेगा, एक लड़की उठेगी और आपके 125, 120 और 70 साल से चले आए राजनीतिक अहंकार को चुनौती देगी और उसी फटी और कमीज में दिल्ली में जाकर मुख्यमंत्री के पद पर जाकर बैठ जाएंगे, वहां शपथ ले सकते हैं। इसलिए राजनीति करने वाले लोगों को यह ध्यान रखना है कि जिस कार्य के लिए उन्हें नियत किया गया है व्यवस्था द्वारा, उसका वो आदर करें। दुष्यंत कुमार ने 1977 में आपातकाल के दौरान एक शेर में एक मिसरा कहा था, देश की महियसी और मेधावी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, अजब तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, और तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। अगर आप सुनना बंद कर देंगे राजनीति के लोग, ये सोचने लगे कि हम 5 साल के लिए निर्वाचित हो गए, अब मुझे सुनना ही नहीं है, तो धर्म जगत के लोगों को, शिक्षा जगत के लोगों को, स्पिरिचुअलिटी से आए हुए लोगों को अपना हाथ उठाना पड़ेगा असहमति का दोस्तों, और उस असहमति के हाथ को स्वीकार करना सीखिएगा। आज राज्यसभा में राजीव भाई आप बैठते हैं, उसी राज्यसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नामित होकर चुनाव लड़कर हिंदी की कविता का एक बड़ा बेटा बैठा था, मेरे आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर। और जब चीन की लड़ाई हारे थे तो भारत के सबसे बड़े हीरो नेहरू के सामने राज्यसभा में खड़े होकर उनकी शांति नीति के खिलाफ कविता पढ़ने का साहस कांग्रेस के सांसद का था। नेहरू जी के सामने दिनकर जी ने कविता पढ़ी, रे रोक युधिष्ठिर को न जहां, जाने दे इसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। ये कविता पढ़ने का साहस दिनकर में राज्यसभा में था और इसे सुनने का साहस आपके और हमारे पहले प्रधानमंत्री में था। राजनीतिक दलों में काम करने वाले हम नेताओं को आपस में इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि आज हम में इतना साहस है कि हम अपने बड़े नेताओं के सामने अपना सत्य बोल सकें, जनता जो कहना चाहती है वो बोल सके। इसलिए राजनीति का धर्म पैदा करिए, धर्म की राजनीति मत करिए। अगर कोई शासक अनाचारी है और किसी योगी को, किसी साधु को, किसी तपस्वी को, योग के लिए, आयुर्वेद के लिए काम करते हुए किसी व्यक्ति को वो अपमानित करके भगा देता है तो यहां तक तो संकल्प ठीक है कि मैं शासन को उखाड़ फेंकूंगा, लेकिन यह संकल्प थोड़ा गलत है कि इस शासन को उखाड़ फेंकूंगा और इन्हें सत्ता में ले आऊंगा, ये गलत है। साधु का धर्म है कि वो राजनीति पर अनुशासन करे, राजनीति उस पर अनुशासन ना करे। तो जितने युवा मित्र यहां पर बैठे हैं, आप एक दूसरे के साथ वैचारिक रूप से असहमत होइए, लेकिन आप इस बात को स्वीकृति दीजिए कि हम उस लोकतंत्र में पैदा हुए हैं। आज हमको बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी शब्द तो पश्चिम से आया है, आज हमको बताया जा रहा है कि पश्चिम के विचारकों ने हमें गणतंत्र सिखाया। आज से 2000 वर्ष पूर्व कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में ग्रंथ लिखा है, राजा दुष्यंत जंगल गए, महर्षि कर्ण की बेटी शकुंतला पर मोहित हुए, उससे गंधर्व विवाह किया, एक रात रुके, उसे गर्भवती बनाया, लौट आए। 7 महीने बाद माता गौतमी उस 7 महीने की प्रेग्नेंट बेटी को लेकर रात के 3 बजे पहुंची राजा दुष्यंत के घर पर, और ये कवि ने लिखा है इसलिए सही ही होगा, इसमें कोई एजेंडा नहीं था कवि का। कालिदास ने लिखा है कि रात के 3 बजे सबसे बाहर खड़े हुए प्रतिहारी से पूछती है माता गौतमी, यह राजा दुष्यंत का महल है? बाहर खड़ा हुआ NSG कमांडो, वो पुलिस वाला, वो होमगार्ड कहता है हाँ जी उन्हीं का महल है। गौतमी माता पूछती है क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? एक पंक्ति आती है और पंक्ति है, अविश्रमोयम लोकतंत्रस्य सर्वाधिकारः, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। घंटा बजाइए, सोता हुआ दुष्यंत महल से निकल के आएगा। जितने युवा बैठे हैं यहां, सोच के बताइए क्या हमारी आज हिम्मत है सामान्य नागरिक होते हुए कि हम किसी सांसद या विधायक से बिना किसी उसके चमचे के सहारे मिलने? अब का गणतंत्र ठीक है कि तब का गणतंत्र ठीक है? जिस समय राजनीति में राजा ईश्वर का अवतार था, वहां से चलकर राजनीति अप्रासंगिक वस्तु है, खराब है। महात्मा चाणक्य ने कहा, वारांगना नैव नीति नीति निपुणा, वारांगना के जैसी है, वैश्य के समान है राजनीति, हर बार नए अधर पल्लव से लगती है, हर बार नए होठों से छूती है, इसलिए वैश्य के समान। ऐसा मत कहिए, ये युग धर्म है, यहीं से हमारी भारत माता का मार्ग प्रशस्त होता है विश्वगुरु बनने का, विश्व सिंहासन पर बैठने का। अयोग्य बेटों के हाथ में आ जाएगी तो मार्ग लंबा हो जाएगा, और जो सामने योग्य बैठे हैं इनके सामने आ जाएगी तो APJ अब्दुल कलाम का इसी शताब्दी में सिरमौर बनने का भारत का सपना पूरा हो सकेगा, भारत वहां पहुंच सकेगा।
यह क्या हुआ कि जितने भी पोस्टर होर्डिंग देखिए, महाराष्ट्र में घुसिए कहीं भी जाइए, फलाने जी बाढ़ देवचांचा शुभकामना, उनका चेहरा देख के लगता है अधिकांश लोगों का कि फरारी काट रहे, जमानत पे आए हुए लोग हैं। यह शुचिता क्यों नहीं पैदा होती कि उनका चेहरा देखकर लगे कि ये मेरे नेता हैं? यह शुचिता क्यों नहीं पैदा होती कि ये मेरा नेता है, इसके पीछे चलना है? संस्कृत भाषा में नयति इति नेता है, जो आगे लेकर चले वो नेता है। और आज स्थिति हुई कि हमारी कविता के मंच पर यह पंक्तियां पढ़ी जाती हैं कि लगे जो तुक्का तो शायद वो तीर हो जाए, फटे जो दूध वो शायद पनीर हो जाए, और मवालियों को ना देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। फेसबुक पे IIT IIM के पढ़े हुए बच्चे लिखते हैं, ट्विटर पे मुझे लड़के लिखते हैं, सर आप तो इतने अच्छे कवि हैं, आपने हमारी मोहब्बत की शायरियां लिखी, आप पॉलिटिक्स में मत जाइए। उनको पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम पर परिवारवाद बेचने वाले लोग बर्दाश्त हैं, उनको उत्तर प्रदेश में दलितों के नाम पर हीरे पहनने वाली महारानी बर्दाश्त है, उनको पूरी भारत की राजनीति में 120 साल में राष्ट्रीय बोझ बना हुआ एक युवा नायक तैयार है, वो स्वीकार है, उनको धर्म के नाम पर राजनीति बेचते हुए लोग स्वीकार हैं। लेकिन हम लोग जो इस बात से दुखी हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा पाई, मुझे गर्व है कि मैं एक प्रोफेसर का बेटा हूं, मैंने विश्वविद्यालय टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, मुझे गर्व है कि मैं हिंदी की कविता को गूगल हेडक्वार्टर्स तक और कैलिफोर्निया और जापान तक लेकर गया, अगर मुझे इस बात की पीड़ा है, मुझे इस बात का कष्ट है कि देश की राजसत्ता के चारों तरफ वो लोग हैं जो नहीं होने चाहिए, तो उन्हें अपदस्त कौन करेगा? ये जो ड्राइंग रूम बहस है, ये जो एलीट की शाम की बहस है, ये शाम को वोदका की चुस्की लेते हुए या स्वीट कॉर्न सूप पीते हुए, वेल दिस केजरीवाल गाय इज डूइंग समथिंग डिफरेंट यू नो, बट एक्चुअली इज नॉट ए गुड पाथ, इससे देश नहीं चलेगा। ये फ्लाइट में 1A और 1B पर बैठने वाले लोगों से देश नहीं चलेगा, ये देश सामने खड़े हुए इन्हीं बंटी बबलियों से चलेगा जो अपने घरों से आए हुए हैं, जो सामने बैठे हुए हैं। और आपको अपनी अवधारणा तलाशनी पड़ेगी, आपको अपना संकल्प तलाशना पड़ेगा, एक दूसरे को स्वीकार करना सीखिए। साहब प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, संपूर्ण बहुमत थी कांग्रेस का, उसके बाद भी उन्होंने ऐसे 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जो कांग्रेस के लोग नहीं थे। राष्ट्रवाद के प्रबल प्रवर्तक अमर हुतात्मा स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनसे उनके मतभेद थे उनको कानून मंत्री बनाया, और जब हम पाकिस्तान से लड़ाई जीते श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, तो पूर्ण बहुमत होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रस्ताव रखने के लिए उन्होंने कांग्रेस के किसी सांसद को नहीं भेजा, सदन में सर्वश्रेष्ठ बोलने वाले मेरे कवि कुल के बड़े पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उसका चेयरमैन बनाकर भेजा। और आप इतने असहमत हैं, आप राजनीति में इतने असहिष्णु हैं कि अगर 4 लोग आपके विपरीत बात करते हैं, आपकी समीक्षा करते हैं, तो आप कहते हैं कि आप जंगल चले जाइए, तुम तो नक्सली हो। मैं पूना में खड़ा हुआ हूं, आध्यात्मिक की जगह है, जंगल कौन सी खराब चीज है साहब? जब तक राम अयोध्या में रहे श्री राम कहलाए, और जब जंगल जाकर लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। जंगल तो अच्छी जगह है, कौन सी खराब जगह? ये आपने जो शहरी मुहावरे तलाश लिए हैं, मुझे क्षमा करेंगे राजीव जहां बैठते हैं वो, मैं बार बार उनको संकेत कर रहा हूं तो उन्हें बुरा ना लगे, उनको आदत भी है, कांग्रेस के पास एक अपेक्षित ये शिद्दत है कि वो सुन सकते हैं, क्योंकि वो करते रहते हैं तो सुनना भी पड़ता है, उनको अभ्यास भी है। उसी राज्यसभा में जहां वो बैठते हैं, मैं पार्लियामेंट के लोगों से मिलता हूं, एक अलग सा क्लब है, एक अलग सी चीज है, वो बाहर एक दूसरे से असहमत दिखाई दे रहे हैं, अंदर सब सही है। शाम 8-9 बज जाने के बाद वो दिल्ली के किसी एलीट क्लब में मिलते हैं और फिर वेल कुमार योर वॉस्कट सीम्स वेरी गुड फ्रॉम वेयर यू बॉट इट, ऐसा लगता ही नहीं ये दोपहर लड़े थे आपस में, ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्होंने पार्लियामेंट में गतिरोध पैदा कर दिया था, ये एक अलग समूह है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ स्विच होता रहता है। अभी जो हमारी नई सत्ता है उसमें 84 लोग ऐसे हैं जो संसद में बैठे हैं जो पिछली बार कांग्रेस की ओर से बैठे थे या उससे एक चुनाव पहले कांग्रेस की ओर से बैठे थे, मैं इसे स्वीकार समझ सकता हूं, पर मेरा अनुरोध यही है कि राजनीति में धर्म लाइए, धर्म में राजनीति मत लाइए, धर्म का प्रयोग मत करिएगा। एक साधु असहमत दिखाई दे, एक साधु की भ्रकुटी चढ़े, दिल्ली और बंबई के राज सिंहासन पर बैठा हुआ महीपति डोल जाए कि साधु नाराज हो गया,
ऐसा ना हो जाए कि साधु अपॉइंटमेंट मांगता फिरे कि किस दिन प्रधानमंत्री जी आ जाएं, किस दिन मुख्यमंत्री जी आ जाएं, तो मेरा आश्रम बड़ा हो जाए, मेरा धंधा बड़ा हो जाए, मेरी डेविनिटी की शॉप चल जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, आपके पास अनेकों सवाल होंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से कुछ जवाब हमसे आप तक पहुँच सकें। आप सब हमारे साथी हैं, आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये देश APJ अब्दुल कलाम ने जो कहा था उसी के अनुसार चले। 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी अगर इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की थी, तो आज इस भारतीय छात्र परिषद में, संसद में मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके हाथ उठ जाएंगे तो 21वीं शताब्दी केवल और केवल भारतवर्ष की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।